मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा कि अयोग्य शिक्षकों को हटाने संबंधी प्रक्रिया के आदेश सरकार जारी कर रही है। रायसेन पहुंचे कार्यक्रम के दौरान चौधरी ने यह बात कही। रायसेन में कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने शिक्षकों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों की शिक्षा को लेकर सरकार ये निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा अयोग्य शिक्षकों को हटाने संबंधी प्रक्रिया के आदेश जारी कर दिए जा रहे हैं। डॉक्टर चौधरी ने आगे कहा अयोग्य शिक्षकों के 20-50 के निर्णय पर सरकार कायम है तथा आज ही यानी कि शनिवार को इस संबंध में सरकार आदेश जारी कर रही है। इसके तहत अयोग्य शिक्षकों को 20 साल की नौकरी या 50 साल की उम्र पूरी होने पर रिटायरमेंट किया जाएगा। सरकार ने आवश्यक सेवानिवृत्ति का जो नियम बनाया है उसमें आयु 50 वर्ष और सेवा के 20 वर्ष तय किए गए। सरकार अब भी शिक्षा विभाग के अक्षम कर्मचारियों को नौकरी से बाहर करने जा रही है। इसके लिए विभागीय स्तर पर समीक्षा के बाद अक्षम शिक्षकों को आवश्यक सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। मध्य प्रदेश की सरकार, कमलनाथ जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार यहाँ पर पूरा करेगी और अनेक रायसेन जिले के भी हम लोग विकास के लिए पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के लोग और हम लोग मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप लोगों के साथ में और भी जो कमियाँ रहेंगी आप सबके साथ बैठना चाहता हूँ कि जहाँ बच्चों की पढ़ाई ठीक नहीं हो रही थी, जहाँ 3 साल से लगातार जिन स्कूलों के रिजल्ट कमजोर आ रहे थे, उन शिक्षकों का सब्जेक्ट वाइज हमने परीक्षा की तभी हमें पत्रकार साथियों ने कहा कि साहब इनको किताब रख के अलाउ कर रहे हैं। फिर भी हमने कहा नहीं, अगर शिक्षक किताब रख के भी अगर क्वेश्चन हल करता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद हमने 2 महीने उनको प्रशिक्षण दिया, उसके बाद परीक्षा की, उसके बाद भी अगर फेल हो गए तो आप ये बताइए कि हमें बच्चों के भविष्य की चिंता है या नहीं है। इसलिए हमने 20-50 के अंतर्गत उन शिक्षकों का कंपलसरी रिटायरमेंट किया है और जो उस दायरे में नहीं थे उनको सबको हमने उसकी डी उनकी स्टार्ट की है और सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। निश्चित रूप से हमारा दायित्व है कि मध्य प्रदेश के नौनिहाल और बच्चों के लिए मध्य प्रदेश में बेहतर शिक्षा देंगे गुणवत्ता। सूत्र के अनुसार राज्य में लगभग 5 लाख शिक्षक हैं। इनमें लगभग 1 लाख शिक्षक ऐसे हैं जो 20 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं या 50 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरवान न्यूज, रायसेन।